हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के लास्ट क्लास के बारे में देखेंगे। इसमें हम कुछ मिसलेनियस टाइप के मतलब विविध टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले परसेंटेज की मैंने 12-13 क्लासेस ली हैं, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन को आपको मैंने बताया है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई में आने की जिस टाइप के क्वेश्चंस की पूरी संभावना है, उन क्वेश्चंस की सीरीज को मैंने 1 से 12 तक क्लास में आप लोगों को डिस्कस किया। परसेंटेज की आखिरी क्लास में हम लोग विभिन्न टाइप के मतलब मिसलेनियस टाइप के मतलब सभी का मिश्रण टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और इससे पहले हमारे इसी YouTube प्लेलिस्ट में जाके आप परसेंटेज की सारी प्रीवियस क्लासेस को देखिए, तभी है आज की आपको क्लास समझ में आएगा। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बता रखा, अगर आप यहां से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कहीं दूसरी जगह परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्लास नंबर 13 जो है, जिसमें से मैंने पहला क्वेश्चन जो लिख रखा है आपके सामने बोर्ड पे, इसमें पहले क्वेश्चन में लिख रखा है क्या है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या दे रखा है। पहले तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आए तो आपको सॉल्व करने के लिए पहले उसकी कुल आय जो भी पूछ रहा है उसको आपको 100x के बराबर मान लेना है। तो हमने यहां देखा क्या है इसकी माना, कुल आय क्या है इसकी माना, कुल आय क्या है इसकी, कुल आय माना हमने यहां से 100x, हमने इसकी कुल मान लिया आय 100x है। अब क्या कहा है, क्वेश्चन को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर आ पाएगा। तो हम पहले देखते हैं 100x में से क्या करता है, अपनी आय का 24% भोजन पे खर्च कर दिया, मतलब 100x का उसने 24x कितने किस पे खर्च कर दिया, फूड पे, मतलब खाने पे खर्च कर दिया उसने। ठीक, अब क्या है, खाने पे खर्च किया। ठीक, दूसरा क्या है, और 15% किराए पे, मतलब 15% यहां से 15% उसने खर्च किया रेंट, रेंट मतलब किराए पे। ठीक, 15% उसने किराए पे खर्च कर दिया, तो 15% को हम यहां से लिख सकते हैं 15x। ठीक, क्योंकि 24x उसने खाने पे किया, 15x किराए पे किया, तो अब रिमेनिंग कितना बच जाता है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए, वहीं पर शेष का मतलब शेष कितना बचा, 100x में से हम 24x प्लस 15x को हटा देंगे, तो 100x में से जब हम लोग हटाएंगे 100x माइनस 24x प्लस 15x, तो यहां से हम लोगों ने देखा कि ये 100 में से ये कितना हो गया, ये टोटल हो गया 39x। 39x से जब 100 में से जाएगा तो यहां कितना बचेगा, 61x यहां से क्या बचा है, ये शेष राशि बची। ठीक है, शेष, अब क्या कहा, क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ना है, 61 शेष बची। अब क्या है, शेष का 25% और 20% क्रमशः परिवहन और विविध पर। तो हमने देखा यहां से 61 शेष का क्या कर रहा है, ये 25% जो ये खर्च कर रहा है वो परिवहन पे खर्च कर रहा है। ठीक है, और 20% क्या है, मिसलेनियस पे मतलब विविध पे खर्च कर रहा है। 20% उसने यहां से विविध पे खर्च कर दिया, 20%। ठीक, विविध पे। अब क्या बचा रिमेनिंग, क्योंकि ये शेष बचा तो कोई भी राशि हमेशा क्या होती है, 100 में। तो हमने देखा इसका 25% ये परिवहन पे हो गया, 20% विविध पे हुआ, तो इसकी बचत कितनी हुई इस यहां से, तो हमने देखा इसको घटा देंगे, ये कितना हुआ, ये 45 हुआ, तो 100 में से हम लोग यहां से क्या घटा देंगे, 45% को घटा देंगे यहां से, तो ये कितना है, ये 55% आया, तो 55% यहां से सेविंग आई। ठीक है, 55% यहां से कितनी आई, सेविंग, तो हमने देखा सेविंग यहां से 55% आई। अब आगे पढ़ते, अब बाकी राशि बचत है, मतलब ये क्या हो गई आपकी बाकी राशि, 55% यहां से सेविंग आ गई, अगर उसकी बचत 10,736 है तो उसकी आय ज्ञात करिए। तो हम लोग अब निकाल लेते हैं इनकम, इनकम उसकी क्या होगी, इनकम आय, आय बराबर, अब क्या कहा है, उसकी आय क्वेश्चन के अनुसार जो आपकी आई है 55%, और जो यहां पे रिमेनिंग किसकी, शेष राशि की निकालनी है आपको,
तो क्या करेंगे हम 61x का सीधे क्या करेंगे, 61x का हम लोग निकाल लेंगे 55% और किसके बराबर रख देंगे, 55% निकालेंगे बराबर रख देंगे उसकी बचत के, क्योंकि ये बचत आ गई, सेविंग निकाल ली, ये शेष राशि थी उसमें से परिवहन पे इतना, विविध पे इतना खर्च कर दिया, तो सेविंग हमारी कितनी थी 55% की यहां से, तो हम क्या करेंगे सीधे 61x का 55% निकाल लेंगे और उसको किसके बराबर कर देंगे 10,736 के। ठीक, तो हम 10,736 के बराबर इसको रखेंगे और 55% को हम लिख सकते हैं 61x गुणे 55/100 लिखेंगे इसे। ठीक, 100 लिखे बराबर 10,736। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम काट लेते हैं, तो क्या करेंगे यहां से काट लेंगे तो ये क्या होगा, 5 × 5 ये एक एक बार कट जाएगा, ये कितनी बार कटा, 20 बार। अब क्या करेंगे 61 से 10,736 को भाग देंगे, तो हमने देखा 61 को 10,736 से हम भाग दे रहे हैं, तो क्या करेंगे 61 लगाएंगे, फिर कितना यहां से बचा, 6 बचा, और यहां से कितना बचा 4, फिर ये कितना बचा, अब कितनी बार लगेगा 6 × 7 = 42, तो 6 × 7 = 42, 7 × 7 और 7 × 6 = 42। अब कितना बचा यहां से, 13 में से 6 गया तो 6 बचा, और यहां से 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, अब कितना बचा ये 366, तो अब हम क्या करेंगे इसको 6 से गुणा करेंगे, तो 6 × 6 और 6 × 6 = 36। तो यहां से हमने देखा, हमने भाग दिया यहां से कितना आया 176, तो हमने 61x को काट दिया यहां से, और यहां इसको क्या लिख दिया, कितनी बार लग रहा है 176 बार, तो हम लोग 176 यहां लिख देंगे 176। अब क्या करेंगे, अब सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहां से क्या बचा, यहां से क्या बचा, यहां से बचा x गुणे 11 बराबर 176 गुणे, और ये 20 इधर भाग हो रहा तो उधर जाके क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं 11 से भी इसको भाग दे लेते हैं, तो 11 से जब भाग देंगे तो 11 × 1 क्या हुआ 11, और यहां से क्या करेंगे 11 × 11, तो रिमेनिंग कितना बचा 17 में से 11 जाएगा तो 6 बचे, तो 11 × 6 कितना हुआ 66। तो हमने यहां से देखा क्या हुआ, एक्स बराबर यहां से हमने देखा क्या आया, एक्स बराबर 16 × 20 बराबर कितना आया 320। ठीक है, तो हमने देखा यहां से x का मान जो आ गया है 320 आ गया है, तो अब हम लोगों को निकालनी थी कुल आय, तो हम लोगों को निकालनी है कुल आय कितनी है उसकी, तो कुल आय हमने देखा यहां पे क्या था 100x, तो यहां पे क्या रखेंगे, यहां 100 में आपको गुणा कर देना है, मतलब यहां आपको 100 में गुणा कर देना है कितने का 320 का, तो हमने 320 का यहां से गुणा किया, तो अब जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे इसके आगे, और तो 320 के आगे जब 2 जीरो बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 32,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करिए, ठीक है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपको ये समझाना था, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए, सेशन को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं आपके, मतलब वनडे एग्जाम्स में। तो इसमें क्या पूछा गया है, ताजे फलों में 60% पानी और सूखे फलों में 20% पानी होता है, ठीक है, और 100 kg ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त होगा, मतलब जैसे कोई फल दे रखा है, कोई गीला फल आप लेते हैं तो उसमें जैसे 20% पानी है तो उसमें क्या होगा 60% उसका क्या होगा सूखा भाग होगा, और जैसे कोई किसी में 60% सूखा भाग है तो क्या होगा उसमें 40% पानी होगा। ठीक, मतलब कोई भी चीज 100% से ही परसेंटेज में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो 2 चीज बना लेंगे, क्या फ्रेश फल, फ्रेश मतलब ताजे फल, ठीक, मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूं, और क्या होगा ड्राई मतलब क्या सूखे फल। ठीक है, तो 2 चीज हमने यहां से बना लिया, अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों मान लो क्या होंगे, ये क्या है, ये ड्राई फल है, ये क्या है फ्रेश फल है, ताजा फल है, मतलब ये सूखा है और ये गीला है। अब क्या है, ताजे फलों में 60% क्या होगा, इसमें इसमें क्या होगा वाटर भी होगा
और क्या होगा सूखा भाग। सूखा भाग इसको हम गूदा लिख सकते हैं, गूदा मतलब पल्प, पल्प मतलब पल्प, हम पल्प से डिनोट करेंगे, मतलब इसके क्या लिख सकते हैं गूदा, मतलब उसके अंदर क्या उसका मतलब मेन पार्ट रहता है, तो हम लोग लिखेंगे वहां वाटर और यहां क्या लिखेंगे पल्प, यह लिख दे ठीक, वाटर यहां पे लिखेंगे और यह लिखेंगे पल्प ठीक। यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी कुछ क्या होगा, इसका पहले वाटर वाला भाग रहा होगा फिर ये सूखा वाला भाग रहा है ठीक, तो यहां पे भी दोनों चीजें रहेंगी ठीक ठीक। अब क्या है, अब पढ़ना है क्वेश्चन को अच्छे से। अब दिया हुआ ताजे फलों में 60% पानी, तो इसमें क्या 60% अगर पानी है तो क्या होगा 40% इसका क्या होगा गूदा वाला भाग होगा। अब और इसमें अगले में क्या कहा है, सूखे फलों में 20% पानी है, मतलब जब इसमें 20% पानी है तो इसमें क्या होगा पल्प कितना होगा 80% ठीक। अब क्या हम लोगों से कहा है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आगे क्या दिया हुआ है, 100 kg ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त होगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को सिंपल एक फार्मूला याद रखना है कि आप लोगों को सूखे फल का गुदा और ताजे फल के गुदे को हमेशा बराबर रखना है ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स गुड़े परसेंटेज ऑफ पल, गूदा बराबर फ्रेश फ्रूट गुड़े परसेंटेज ऑफ पल, केवल यहां पे हम लोग गूदे की बात करेंगे ठीक है। ये क्या हो गए हैं ड्राई फ्रूट, मतलब इसका मेन वैल्यू दे रखी है कितने ड्राई फ्रूट कितने केजी है ठीक है, उसमें से कितना पल्प है और फ्रेश में कितना पल्प है। तो यहां से हम लोग देखते हैं यहां पे क्या है, यहां पे ये ड्राई फ्रूट है तो ड्राई फ्रूट में क्या है 20% पानी है, यहां से हमने देखा पल्प कितना है 80%, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे ड्राई गुड़े, यहां से क्या हो जाएगा क्योंकि 80% यहां पे क्या है 80% पल्प है, तो हम क्या करेंगे इसका 80% पल्प कर देंगे ठीक। बराबर क्या करेंगे, अब क्या है फ्रेश फ्रूट में, फ्रेश फ्रूट में कितना पल्प है 40%, तो फ्रेश फ्रूट में हम लोग क्या करेंगे फ्रेश में 40% निकाल लेंगे इसका, गुड़े क्या करेंगे 40%। अब क्या दे रखा है 100 kg ताजे फलों में कितना सूखा फल, मतलब हमको ताजे फ्रेश फलों की वैल्यू यहां पे दे रखी है 100 kg यहां से लिख लेंगे और इसको क्या 40% को क्या लिख सकते हैं 40/100 लिख सकते हैं ठीक। यहां पे क्या लिखेंगे ड्राई ड्राई गुड़े 80% ठीक। अब यहां से क्या करेंगे ये 100 और ये 100 कट गया तो कितना आया ये, अब हम लोग ड्राई निकालेंगे यहां से तो अब क्या होगा ये बचेगा 40 और ये 80% इधर गुड़े में गुड़ा हो रहा है तो उधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या होगा बटे में आ जाएगा, तो ये 80% यहां आ जाएगा और 80% लिख लेंगे ठीक है। अब क्या लिखेंगे ड्राई ड्राई लिखेंगे यहां पर, अब क्या होगा ये 40 नीचे क्या हो जाएगा 80% को लिख सकते हैं 80/100, 80% को क्या लिख सकते हैं 80/100, तो 100 क्या होगा ऊपर आ जाएगा, तो हमने 100 से यहां किया। अब क्या है ये इसको काट दें 40 × 80 दो से काटा तो यह क्या होगा 50, तो ड्राई ड्राई फ्रूट कितना यहां पे होगा 50 kg ठीक। तो 50 kg यहां पे निकल के आ गया, तो क्या था उसमें 50 kg पानी था और 50 kg यहां से हमको सूखा फल प्राप्त हो गया ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्या करना है सूखे फलों का, आप लोगों को क्या करना है सूखे फलों का गूदा फ्रेश फलों के गूदे के बराबर हमेशा रख देना है। जब भी इसी प्रकार से आप पहले वैल्यू निकाल लीजिए कितना सूखा दोनों में आ रहा है कितना गीला है, निकालने के बाद आपको ये फार्मूला याद रखना है हमेशा, ड्राई फ्रूट्स का पल्प परसेंटेज और फ्रेश फ्रूट का पल्प परसेंटेज को हमेशा आपस में बराबर करना है ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, किसी भिन्न का अंश 80% बढ़ा दें और हर को 40% बढ़ा दें तो परिणामी भिन्न 16 सहित
23 हो जाता है तो मूल भिन्न क्या है। ये सीएचएसएल 2020 में आया, तो आप देख सकते हैं सीएचएसएल 2020 में कि इतने आसान भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ये भिन्न का क्वेश्चन है, पर परसेंटेज में बना के इसको पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहां से सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग क्या क्या भिन्न क्या होती है, भिन्न को हमेशा हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बटे वाई। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंश, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, हर, ठीक। ये होता है अंश और ये होता है हर। अब क्या कहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। अब क्या है, अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको, क्या यहाँ पे कहा है। अब मान लो ये वैल्यू क्या होंगी, पहले कोई भी वैल्यू हमेशा परसेंटेज में कोई भी वैल्यू हमेशा 100 से ली जाती है, तो पहले ये क्या है 100% है, ये भी कितनी है 100% है। अब क्या कहा गया है, किसी भिन्न का अंश 80% बढ़ा दें। अगर भिन्न का अंश 80% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 100 में 80% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 80% जो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 80%, तो क्या हो गया ये 180 हो गया, ठीक। अब क्या कहा है, हर में कितना बढ़ा दें 40%, हर में कितना बढ़ा दिए हैं 40%, तो पहले कितना था 100%, 100% में जब 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 140%। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अब क्या कहा है, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ अंश है x, x का कितना मतलब 80% बढ़ाया गया, तो 180%, ठीक, 180%, ठीक, बटे क्या हो जाएगा y का, यहां से क्या हो जाएगा 140%, ठीक, 140% हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या है, अब है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है? बराबर किसके हैं, परिणामी भिन्न किसके बराबर हो जाती है 16/23 के, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 16/23 के इसको बराबर रख देंगे 16/23 के। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, मतलब कोई वैल्यू जैसे 100% या अगर कोई वैल्यू 20% दे रखी है, तो अगर उसको आपको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम उससे 100 से भाग करेंगे, ठीक है। अगर कोई वैल्यू भिन्न में दे रखी है 20/100, ठीक है, और उसको परसेंटेज में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। इसको मैंने पहले ही लेक्चर में बता रखा है, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ठीक है, यहां से हम लोग देखते हैं क्या है, ये 180%, तो 180% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180% को यहां से हम लोग लिख सकते हैं 180/100, तो हम लोग लिखेंगे यहां से 180/100, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहां से, y गुणे 140/100, 140/100 यहां से लिखेंगे, बराबर क्या होगा ये 16/23 के बराबर होगा। अब यहां से क्या होगा, ये 100 इससे और ये 100 इससे कट जाएगा, और एक जीरो यहां से और एक जीरो यहां से कट जाएगा। अब क्या होगा ये 2 × 14 हम लोग यहां से काट सकते हैं, और 2 × 9 = 18, ठीक, हमने काट दिया, तो ये कितना हुआ, ये यहां से हम लोग लिख लेते हैं, यहां से आ गया ये 9x बटे कितना है, यहां से नीचे कितना बचा 7y बराबर कितना बचा यहां से 16/23, ठीक, 16/23 बचा। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, अब यहां से हम लोग करेंगे x/y, तो y यहां से जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 16/7, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 9/23, 23/9, ठीक है। तो अब नई भिन्न यहां से क्या आ गई, 16 को 7 से x/y क्या करेंगे, यहां से x/y करेंगे, तो 16 × 7 कितना हो जाएगा 7 × 6 = 42, और 7 × 1 = 7, और 7 × 4 = 11, 112, और यहां से क्या हो जाएगा 23/9 कितना होगा 9 × 3 = 27, और 9 × 2 = 18, 2 = 20, तो ये कितना हो जाएगा x/y, नई भिन्न यहां से आपकी आ जाएगी 112/207, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहां पे आपको कोई भी वैल्यू दे रखी हो सकती है, 20%, यहां पे आपको 40% दे रखेगा, तो मतलब आप चेंज रहेगा पैटर्न, पर क्वेश्चन लगाने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को। ये कुछ चुनिंदा मतलब मैं छांट के लाया हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को, तो आप यहां से अच्छे से इन जो मैं आज के विविध में बताऊंगा, तो आप इन टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए,
और ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम अंक प्राप्त किए, डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त किए, तो डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने अधिक हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आया तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, इन सब एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन और बैंकिंग में भी लगभग इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको देखना है कितने लोग हैं यहाँ पे, तो ए बी है, कितने लोगों के बीच कंपेरिजन किया जा रहा है, तो ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ और डी हुआ, मतलब यहां से क्या है, ए बी और सी और डी है। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त किया और ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम, तो हम लोग क्या यहां से मान लेंगे, ए सी ने कितने यहां से प्राप्त किए, 100% अंक प्राप्त किए। अब क्या कहा है, ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम, मतलब ए ने इससे 10% कितना किया है, 10% की कम पाया है, मतलब 10% कम माइनस, मतलब तो ये कितना पाया, यानी ए, सॉरी ए पे जाएगा, हाँ ए ने यहां पे कितना पाया, 10% कम, तो ए की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, मतलब ये 90% हो जाएगी, 10% कम हो जाएगी। अब क्या कहा है, अब क्वेश्चन को फिर से देखना है, बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने ए के प्राप्तांक से 20%, मतलब इससे कितना पाया है ये ज्यादा, प्लस का कितना पाया है 20%, तो ये कितना पाया है, ये कितना है इसका 90%, तो 90% का 20% आप लोग निकाल लेंगे, तो 90 का 20% जब हम लोग निकालेंगे तो 20/100 कर देंगे, 0 0 यहां से कट गया, ये 0 कट गया, 9 2 18, मतलब क्या होगा ये 18, 90 में 18 जोड़ेंगे, मतलब 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108%। तो हम देखेंगे बी की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, 108%। तो अब क्या कहा है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ना है। अब क्या कहा है, एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अंक प्राप्त किए, अधिक प्राप्त किए, और ने सी के प्राप्तांक से 10% कम प्राप्त किए, डी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, डी ने सी से, मतलब सी से इसने क्या प्राप्त किए हैं, अधिक अंक 20%, डी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किया, मतलब बी डी जो है सी से 20% अधिक है, तो हमने सी को माना था 100 में 20% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 120%। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है, डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने परसेंट हैं, से जहां भी हो उसको हमेशा नीचे रखेंगे। देखा ए और डी में, अब यहां से कंपेरिजन निकाल लेते हैं, तो ए यहां से हमने लिखा और डी यहां से लिखा, तो हमने देखा डी यहां से कितना है 20% और ए हमने यहां से देखा कितना है 90%, तो हमने देखा ये 90% है और ये कितना है 120% है, तो कितने परसेंट की अधिक बढ़ोतरी हो रही है, 30% की। और पूछा क्या गया है, डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से, मतलब ए के प्राप्तांक से जो होगा उससे हमें नीचे लिखेंगे, तो ये 90 से कितना जाता है, 90 से यहां करेंगे और गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको यहां से ये 0 काट देंगे, 0 काटेंगे तो ये क्या हो गया 3, तो ये कितना आया यहां से आया ये 100/3%। ठीक, 100/3% आया, तो 100/3% को हम कुल लोग क्या लिख सकते हैं, अब 100 को 3 से भाग देंगे, तो 100 को 3 से जब भाग देंगे तो क्या लगेगा, 3 3 9 और माइनस 1, फिर 10 उतारे, फिर 3 3 9, फिर कितना हुआ 1, तो रिमेनिंग 1 बचा, तो हम क्या लिख सकते हैं, सही बटे में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो आया यहाँ पे भागफल लिखते हैं, तो हमने भागफल लिखा 33, फिर क्या लिखा, शेषफल को हमेशा ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग करते हैं उसे नीचे लिखते हैं, तो ये क्या हो गया है, ये 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए सीजीएल मेंस 2022 में कितना आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, बस ये लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, बस ये लैंग्वेज बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसान रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और अक्सर बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। ठीक है,
ठीक है, आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, वीडियो को रोक के अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आज के सेशन का आखिरी और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितने परसेंट तक कमी या वृद्धि होती है, बचत में कितने परसेंट की यहाँ पे पूछा गया है कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बेस्ड बताऊंगा जिससे आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाली है। तो ये क्या होगा, इनकम क्या होती है, जैसे तुम्हारी इनकम जितनी होगी उसी हिसाब से तो आप तुम खर्च करोगे, मतलब एक्सपेंडिचर डीचर और प्लस क्या होगी, जितना खर्च करेंगे और कुछ बचाएंगे ना आप, तो ये एक फॉर्मूला होता है, मतलब आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखे तो आप इस फार्मूले पे ही आपको लगाना है। तो मतलब क्या होगा, आई बराबर ई प्लस एस, ये लिख लिए। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने में क्या लिखा, ए अपनी आय का 65%, तो शुरुआत में ए की आय कितनी होगी, 100 होगी ना, 100% होगी ना। अब 65% वो खर्च कर देता है, मतलब 65% अगर उसने खर्च कर दिया तो बचत उसकी कितनी हुई, 35%। ठीक है, 35% हुआ। अब क्या कहा गया, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि होती, मतलब पहले उसकी आय कितनी थी 100, अब बढ़ गई कितनी, तो 20% मतलब बढ़ी, तो क्या होगी 120 हो गई। अब क्या होगा, 120 जब हो गई तो व्यय में 20% की वृद्धि, पहले कितना व्यय था, पहले आपका ये व्यय है और ये आपकी बचत है। ठीक, तो पहले कितना व्यय था 65, और 65 का 20% वृद्धि हो जाएगी, 65 में कितने 20% की जब वृद्धि होगी तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/100, 20×5=100, ये क्या होगा 5 × 5 13/65, मतलब ये क्या होगा 65 + 13, मतलब कितने 78 हो गई, मतलब 5×3=8 क्या हो गई, तो इसकी कितनी, मतलब 20% पे बढ़ गया, तो बे नया कितना है, यहां से 13 यूनिट की बढ़ोतरी हुई, तो नया क्या हो गया 78%। जब 78% इसकी इनकम हो गई, मतलब एक्सपेंडिचर, जब 78% इसका व्यय हो गया तो अब बचत कितनी बची, तो हम लोग क्या करेंगे 120 में से 78 को घटा देंगे, तो 78 में से घटाएंगे तो 10 में से 8 गया, तो 2 11 में से तो कितना 42, तो ये कितना बचा, ये बचा 42x, मतलब ये कितना बचा 42%। अब क्या पूछा गया है, अब आगे पढ़ना है, तो वृद्धि हुई तो उसकी बचत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, तो हमने यहां से देखा पहले इसकी बचत कितनी थी 35%, अब इसकी बचत कितनी है 42%, तो हमने यहां से देखा क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि कितने यूनिट की हो रही है 60% की, 60% की वृद्धि हो रही है, कितने पे 35 पे। ठीक है, 7% की वृद्धि कितनी हो रही है 35% पे। ठीक, और हमको निकालना किस पे है, हमको निकालना है 100 पे, 100% पे कितनी होगी, तो हम लोगों ने देखा यहाँ परसेंटेज परसेंटेज कट गया, 7×5=35 हुआ, तो हमने देखा यहां से क्या होगा 100/5, मतलब ये क्या होगा 20%। ठीक है, 20% की बढ़ोतरी हुई। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20%। नोट कर लीजिए आप लोग, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप इनकम बराबर ई प्लस एस से कर लीजिएगा, आई बराबर ई प्लस एस से, जिस प्रकार से जो दे रखा है उस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर जो पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछा 20%, यहाँ पे पूछता आपकी बैन कितनी बढ़ गई, तो आप यहाँ से बैन निकाल सकते थे, कभी कभी दे रखा है, पर कभी कभी दे रखेगा, यहाँ बचत में इतना बढ़ोतरी हो गया तो आप बैन में बताइए। ठीक है, और अगर दे रहा है दोनों में दे रखा है, बचत में दे रखा है, बैन में दे रखा है, तो आपकी इनकम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन में दे रखा हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के लास्ट टॉपिक मिसलेनियस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसमें मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस को बताया जो बार बार आपके एग्जाम में लगातार हर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप परसेंटेज को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक मेथड से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए
और परसेंटेज की प्लेलिस्ट में आप जाके सारी क्लासे आप लाइन वाइज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हर कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड में और बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, मैं अगली क्लास में अब आप लोगों के लिए परसेंटेज की यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लूंगा, जिसमें वो सारे प्रीवियस ईयर में आए रहे हुए क्वेश्चन होंगे, मैं उनको एक बार डिस्कस करूंगा और कल नए टॉपिक की शुरुआत करूंगा, जिसमें कल मैं शायद आप लोगों को पढ़ाऊं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, सीआई और एसआई। ठीक है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट को कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। अगर आप एक बार पढ़ लिए सिंपल इंटरेस्ट तो आप कभी भूलेंगे नहीं उस टाइप को। ठीक है, मिलते हैं आपको कल। आज के लिए धन्यवाद।